देखो ये हम वीर नारी और एक्स सर्विसमैन की रैली होती है जिसमें हम जो फौजी हैं और जो रिटायर हो गए हैं उनका एक संबंध रहता है कि हम इनको रिटायरमेंट के बाद किस तरह के सुविधाएं उपलब्ध कराए जा सके। जैसे मैं ऑफिसर इंचार्ज पॉलीक्लिनिक बंगईगांव हूँ, कमांडर चंदोला, तो हम लोग यहाँ मेडिकल की सुविधाएं हमारे एक्स सर्विसमैन को कैशलेस मिलती है। हमारे पैनल्स में जैसे लोअर आसाम, GNRC, बाकी कई अस्पताल हैं जो हमारे पैनल में, जो हमारे एक्स सर्विसमैन को मुफ्त इलाज कैशलेस सर्विसेज देते हैं। इसी तरह कई और उनकी जो भी परेशानियां हो, जैसे उनके एम्प्लॉयमेंट, जो वीर नारियां उनकी बेटियों के लिए, उनके बच्चों के लिए कई सुविधाएं हैं जो हम उनको अवगत कराते हैं इस तरह की रैलीज के जरिए, ताकि आप भले ही आप रिटायर हो गए लेकिन आज भी आप देश आपके साथ हैं, फौज आपके साथ है, तो उनमें वो हिम्मत जगाते हैं। क्योंकि वक्त के साथ साथ वो भी किसी ना किसी बीमारी से शिकार हो जाते हैं और फिर आशा निराशा में बदल जाती है, तो हम उनमें वो आशा की किरण लेके आना चाहते हैं। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट का ये सारे यहाँ से जो जुड़े हुए हैं, कोकराझार, बंगईगांव, चांगसारी, ठीक है। ऑफिसर्स की जो COs हैं यहाँ पर, जो बटालियंस हैं, उन्होंने इस चीज़ को ना देखते हुए कि हम एक जगह आके एकत्रित हों और सारे आकर के उसी जगह मिलें, हर महीने, हर दिन या हर हफ्ते जितने भी एक्स सर्विसमैन या वीर नारी से जो बटालियंस जाकर के मिलती थी उसकी बकायदा हमको रिपोर्ट लगती है कि हम आप से जाकर के जुड़े रहे, आपसे मिलते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये पिछला 1.5 साल कोविड का गया है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने सीखी हैं, और जिस हिसाब से मैं चाहूँगा कि आप लोगों को जो भी हम मदद कर पाए, जो हमारे दायरे में था या आपके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, जैसे कि डुबरी जैसा गांव डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर की ऑक्सीजन के सिलेंडर्स और काफ़ी सारी ऐसी ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने उनके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को दी हैं आपको, जिससे कि हम एक इंडिविजुअल को नहीं बल्कि एक कम्युनिटी को देखें। और इसमें हमने कोई भेदभाव नहीं रखा है कि ये सिर्फ मैं एक सर्विस मैन के लिए ही करूँगा और बाकी नॉर्मल आदमी के लिए नहीं करूँगा। तो इसलिए भी हमारा थोड़ा सा आपकी तरफ एकत्रित होने का ही सिर्फ एक जो उद्देश्य था वो नहीं पूरा कर पाया मैं, और जो और ज़्यादा एक्स सर्विसमैन रैली मैं तकरीबन 2 या 3 और करना चाहता था वो नहीं कर पाया हूँ। पर मुझे इतना भरोसा है कि जो बटालियंस रही हैं यहाँ पर, इससे पहले वाले भी और जो अब आई हैं, उन्होंने आप लोगों को जाकर के घर पे मिलना, बातचीत करना, आपका हालचाल पूछना, किसी प्रकार की कोई आपको दुख तकलीफ है उस प्रकार की जो भी मदद हो पाई है CO साहब लोगों ने वो मुझे बताया है, और मैं बड़ा खुश हूँ उस चीज़ से कि हमने ये संपर्क बना के रखा हुआ है। सबके सब अपने कार्ड बनाए, और जिन्होंने नहीं बनाया वो जल्द से जल्द इसको पंजीकृत करें, और इसका इस्तेमाल भी जानना जरूरी है। कोविड समय पे यदि आपको कोई भी दवाई नहीं मिलती है या आपके परिवार में से कोई भी कोविड पॉजिटिव है तो आप हमसे संपर्क रखिए, हमारे डॉक्टर आपको वीडियो कॉल में आपसे संबंध स्थापित करेंगे, आपको सारा जानकारियां देंगे। यही नहीं, जो हमारे पैनल के डॉक्टर हॉस्पिटल्स जुड़े हैं वहां आप इमरजेंसी में कभी भी डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, और यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे सीधा संबंध बना सकते हैं, सीधा संपर्क कर सकते हैं। और ऐसे समय पे हमने सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली, जो ECHS मैनेजिंग डायरेक्टर्स वहां बैठे हैं, तो वहां से भी एक कई सुविधाएं हैं, जैसे कि अगर दवाइयां इस दौरान आप क्रॉनिक पेशेंट हैं, आपको किसी भी ECHS के डॉक्टर ने या किसी भी एमपैनल हॉस्पिटल के डॉक्टर ने या सर्विस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने अगर आपको कोई दवाई ली रखी है, आप ECHS आने की भी जरूरत नहीं है, आप वो दवाई कहीं मार्केट से भी अगर आप खरीद लें तो आपको वो रीइंबर्स हो जाएगा। तो ये रीइंबर्समेंट की जानकारियां भी आप सुनिश्चित करें। यही नहीं, अगर परिवार में कोई कोरोना ग्रस्त है तो उस दौरान आपको होम क्वारंटाइन, आप कॉन्सेंट्रेटर तक खरीद सकते हैं। तो ये सारी जानकारियां विस्तार में आप हमसे संपर्क करिए, हमारे जो भी फार्मासिस्ट हैं, हमारे विभाग के जो भी बाकी अधिकारी हैं उनसे संपर्क करिए, और हर दिन हम लोग इस दौरान
आप सबसे एक इसी ESM आउटरीच के जरिए हम आपसे फोन द्वारा संपर्क रखते हैं, तो आप लोग हमसे भी संपर्क रखिए, हम भी आपसे संपर्क रखते रहेंगे। धन्यवाद आपका। और बीर नारी आई हो गल आज 12 गेनीदारे आमार ESM रैली राखी से आमी धन्यवाद दिसु और तेलोगे किसुमान हा सुविधाओ दिसे जेनेकुआ सीएसडीत आपनार फर्म बिलाक आनी प्रायभाग मोर पराय साइन करी आनी इयत दिसे और सीएसडी फेसिलिटी खिनि पाइसे और कोविडर किसुमान जदि एनेकुआ विपदत आइसिल ओरे तेलोगे सहाय्य करिसे और लगते करिओ आसे और करिबो आमी बर्तमान तेलोगर जेतु ओसरत आसु और आपनालोगर ओसरत अनुरोध आपनालोगे आहिबो लागे जाते आमार जिखिनि फौजी इनिट आसे हिहतर पराय सहाय्य बा सुविधाखिनि लब लागे और किसुमान जिसकल माने आमार ESM मानुखिनिये सीएसडी कार्ड बनवा नाय बनाय लोक और मैं तो कोनो दिन आपनालोगक सीएसडी कार्डर विषय बा साइन करातो असुविधा दिया नाय और तार लगते आपनार ECS कार्ड बिलाको ECS कार्ड बिलाक ऑनलाइन करिबो लागे ECS कार्ड ऑनलाइन करिले आपनालोगर सुविधाखिनि मेडिकल सुविधाखिनि पाबो और बाकी बहुत कथा कबलगिया।